सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? वन सेकेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज मैं बात करने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक क्या क्या होते हैं वो आपसे आज मैं इस वीडियो के में डिस्कस करने वाला हूँ। आपसे एक एक कंटेंट आपको बताने वाला हूँ, एक एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आप इसमें से आप ला सकते हैं, कितने मार्किंग आती है। बीकॉम और बीबीए वाले जिनके पास भी बिजनेस मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट है टॉपिक, ये वाला चैप्टर हमारा, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको तैयार करके और आप अच्छी मार्किंग ला सकें। चलिएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइएगा, ये है आपके पास टॉपिक्स, पता है आप सभी को इस तरीके से। ये बीकॉम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है सबसे पहली चीज़ इसके अंदर 5 यूनिट होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए 5 यूनिट होती हैं और 5 की 5 ही इम्पोर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, 5 की 5 इम्पोर्टेंट है। ये यूनिट नंबर 1 आपका हो गया, यूनिट नंबर 2 हो गया, यूनिट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। पाँचों यूनिट इम्पोर्टेंट है। मैं बात करूँगा कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा है और किस में से ज़्यादा आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले यूनिट का, इस वाले क्वेश्चन उसका, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मींस कहने की बात ये है कि 100% ही एग्जाम के अंदर मिलेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि नहीं मिल पाता। देन इसके बाद प्लानिंग, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर से ज़्यादा मिलता है हमें प्लानिंग, प्लानिंग की टाइप्स, प्लानिंग की पॉलिसीज है ना, ये सब आता है। एंड डिसीजन मेकिंग, ये पूरी की पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांचों इंपॉर्टेंट है। मैं बात करता हूँ कंटेंट वाइज, आइएगा देखते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे देखिएगा आप, नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। और आपके पास टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप इसको एक बार को ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी ड्रॉप कर सकते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हो ना आप अपनी बुक में, मॉडल में, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं वहां टिक कर लें या फिर इसको लिख लें। डिसीजन मेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस पे नहीं निशान लगाए एक बार को उसको छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, बट पहले प्रिपरेशन आप उसकी कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। मैं सेकेंड यूनिट पे बात करूं, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, टाइप्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, टाइप्स भी इसके इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं थर्ड की, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो मोस्ट है, जिसमें से मैक्सिमम मिलता ही मिलता है, डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट के अंदर। फोर्थ के अंदर स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे तो रिक्रूटमेंट भी कर लीजिएगा है ना, और स्टाफिंग तो आई। और अगर मैं बात करूं लीडरशिप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीडरशिप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा कभी नहीं होता कि लीडरशिप का क्वेश्चन ना आए, लीडरशिप स्टाइल सब इसके अंदर ही आ गया। मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग वाला चैप्टर। बजटरी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, एंड कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये पांचों यूनिट के बारे में बताया है ना, पांचों यूनिट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक एक को लिख लिया होगा, ठीक है। और आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। इन्हीं में से आपको मैक्सिमम, अगर मैं बात करूँ आपसे, लाइक आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का, या 75 मार्क्स का पेपर है आपका, तो मैं आपको बताऊं इनमें से, मैं आपको इतनी गारंटी, जितना मैंने आपको बताया है, 95% आपको इन्हीं टॉपिक में से मिलेगा, 95% आपको इन्हीं टॉपिक में से मिलेगा जो आपको बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगवाए हैं आपको, ये 95% आपको मिल जाएगा जितने टॉपिक मैंने बताए हैं। 5% चांस बनता है, 5% चांस बनता है, पॉसिबिलिटी बनती है जो बचे कुछ हैं उनमें से आने की,
अब सोच सकते हैं आप कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आप समझ लीजिएगा कि 72-75 मार्क्स आपके इनमें से क्लियर हो जाएंगे, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स इसमें से क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ गए, एक चांस बताया मैंने आपको, अदरवाइज मिलेगा ही मिलेगा जितना मैंने बताया, मेरा तजुर्बा जो कहता है आपसे। एंड फाइनली अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इनको पढ़ने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ये सारे टॉपिक मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर के एक एक चीज को फॉलो कर लीजिएगा। एक एक कंसेप्ट बताया उसके अंदर, नेचर ऑफ स्कोप भी बताया, फर्स्ट प्लानिंग भी बताया, डिसीजन मेकिंग भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन भी बताया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बताया, डिसेंट्रलाइजेशन भी, डायरेक्टर भी, स्टाफिंग भी, रिक्वायरमेंट भी, लीडरशिप भी, मोटिवेशन भी, एंड कंट्रोलिंग भी, बजटरी कंट्रोल भी, कम्युनिकेशन भी, ये सब के सब एक ही प्लेलिस्ट में क्लियर किए हुए हैं, पूरा पढ़ाया हुआ है। अभी नीचे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और ज्वाइन करके आप पूरी प्लेलिस्ट को वन बाय वन, डे बाय डे के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से पढ़ें। कोई चीज़ समझना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, एंड पॉसिबिलिटी होगी तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगा उस चीज़ का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और गारंटी लूंगा अगर आपके 95% नहीं आए, जिस तरीके से मैंने बताया, जिस जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, इससे कीजिएगा 95% मार्क्स आपके पॉसिबल है आने। ठीक है, थैंक यू बच्चों, और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझसे बात करनी है टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए गए सभी को फॉलो कर दीजिएगा आप। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।